हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका और आज की वीडियो जो है हॉल वीडियो से डिफरेंट होने वाली है जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लहंगे पे दुपट्टे को कैसे डिफरेंट तरीके से स्टाइल करें और बिल्कुल अलग सा लुक क्रिएट करें और जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो मैं बहुत सारी स्टाइल आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और ये जो लहंगा मैं आपको शो कर रही हूँ ये लहंगा मैंने मीशो से परचेस किया है पंद्रह सौ के अंदर का है बहुत ही खूबसूरत लहंगा है इसकी फुल डिटेल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये लुक मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ ये नॉर्मल दुपट्टा जो सभी को आती है मैं ड्रिपिंग शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा इसके, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू दोस्तों चलिए बहुत ही ज्यादा बातें करते हुए फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल के लिए दुपट्टे के एक कॉर्नर ऐसे बॉर्डर को मिला के वी शेप जैसा लुक बना लेना है ताकि बॉर्डर एकदम अच्छे से आपका फ्लॉन्ट हो सके और शोल्डर पे हम इसे पिनअप कर लेंगे और आज के फ्रेंड्स दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल में मैंने किसी भी बेल्ट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने काफ़ी बेल्ट का यूज़ किया था तो लोग कह रहे थे विदाउट बेल्ट भी हमें कुछ दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल दिखाई है क्योंकि हर बार हम बेल्ट नहीं लगा सकते हमने कहा ठीक है तो इस ये दुपट्टा ड्रिपिंग ना बहुत ही खूबसूरत लगती है और बॉर्डर को ना यहाँ पर भी आपको वी शेप का लुक देते हुए ही जो है अपनी कमर में आप टकिन कर लीजिए और यहाँ पर भी मैं अपने फ्रंट में लहंगे में टकिन कर रही हूँ ताकि क्योंकि मैं बेल्ट नहीं लगा रही हूँ ताकि हमारे दुपट्टा का एकदम क्लीन एंड नीट लुक आए और देखने में काफ़ी अच्छा लगे इस इस लुक में आपके दोनों हैंड फ्री रहते हैं आराम से आप सारा काम कर सकते हैं डांस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका दुपट्टा भी फ्लॉन्ट हो जाता है इसमें नेक्स्ट स्टाइल में ये सेकेंड स्टाइल में सेम उसी चीज़ को मैंने एक्सटेंड किया है और ऊपर आप दोनों बॉर्डर को कंधे पर ही इस तरह से टक इन कर लीजिए और फ्रंट का जो मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ है आगे की साइड में आप चाहें तो दोनों बॉर्डर को पिन कर सकते हैं मैंने एक साइड के बॉर्डर को खुला छोड़ा है अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टाइल की नेक्स्ट स्टाइल में भी शोल्डर पर जो मैंने टकिन किया था उसे ऐसे ही रहने देंगे और फ्रंट फ्रंट मैंने लॉन्ग वी शेप बनाया है मैंने बॉर्डर से और इस तरह से पिनअप से सिक्योर कर लेंगे ये लुक भी बहुत ही प्यारा लगता है और फिर कंधे पे भी हम इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेते हैं और आपने इस लुक में बहुत बार देखा होगा कि हाँ बस पीछे से लाके जो है कमर में टकेंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको इसमें दुपट्टा को पूरी तरह से फ्लॉन्ट करना है यहां मैं हैंड में भी पिन लगा रही हूं ताकि हमारा दुपट्टा एक ही जगह टिका रहे और रॉयल सा लुक आता है इसमें आपका इसमें पूरा दुपट्टा फ्लॉन्ट होता है और आपका लहंगा भी बहुत ही खूबसूरत नजर आता है बिल्कुल न्यू स्टाइल लगती है पर्सनली मुझे ये स्टाइल काफी पसंद आती है आप इस तरह की स्टाइल को आप ट्राई कर सकते हैं आपको जरूर पसंद आएगा और इस स्टाइल को फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेट के दुपट्टे के साथ या फिर बॉर्डर वाले दुपट्टे के साथ ही कैरी कर सकते हैं आप विदाउट बॉर्डर वाले और विदाउट नेट वाले दुपट्टे के साथ भी इसे कैरी कर सकते हैं उतना ही खूबसूरत और रॉयल सा लुक आने वाला है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आप एकदम आपके एक हैंड आपका फ्री रहता है दोस्तों आई होप आपको लुक्स पसंद आ रहे होंगे और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती या हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अब बात कर लेते हैं पहले मैंने दुपट्टे को उल्टा करके दोनों बॉर्डर का जहां बॉर्डर खत्म हो रहा है वहीं पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे करके मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ इससे ना बॉर्डर दोनों बॉर्डर एकदम पास में आ जाते हैं तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी रहती है जब आप बॉर्डर को मिला के अगर पिन अप करना चाहते हैं तो तो अब दुपट्टा उल्टा करके पिन लगाइए और जब आप सीधा करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है दोनों एकदम एक पास आ जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है शोल्डर पे और लास्ट कॉर्नर आप देखिए फ्रेंड्स फिर से वी शेप में ही मैंने बनाया हुआ है और इस वाले को अब हम यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग सा वी बनाएंगे पहले मैंने जो फ्रंट में वी बनाया था वो मैंने सिर्फ ब्लाउज तक ही बनाया था लेकिन ये मैंने लहंगे के थोड़ा सा नीचे तक बनाया है आप देखिए फ्रेंड्स इसमें दो वी वी लुक क्रिएट होंगे और पीछे के साइड का भी पल्ला आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से रहेगा फ्रंट में ये लुक आ जाएगा और इसमें भी जो है आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं आप आराम से डांस कर सकते हैं या फिर आपके घर की शादी है तो बहुत सारे काम होते हैं तो फ्रीली आप कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टाइल में आप देखिए फ्रेंड्स मैं उसी बॉर्डर को ना थोड़ा और मिला रही हूँ लंबे में मुझे चाहिए बॉर्डर मिला हुआ तो इस तरह से मैं कर रही हूं और फिर उसके बाद जो है मैं यहां से, से ले जाऊंगी और पीछे के साइड में मैं यहां पे कर लूंगी और यहां पे आप देख सकते हैं करके लगा लूंगी। तो ये भी बहुत ही, है, ही खूबसूरत लगता है और एकदम इसमें भी आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं दुपट्टा भी फ्लॉन्ट होता है लहंगा भी फ्लॉन्ट होता है और बहुत ही अलग सा और अच्छा सा लुक निकल के आ जाता है मुझे पर्सनली ये लुक पसंद है मैंने एक दो बार इसे पार्टी फंक्शन में कैरी भी किया है अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तो नेक्स्ट स्टाइल में जो है बहुत ही सिंपल है और आजकल ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में है आप फैशन वीक वाली वीडियोस देखेंगे ना जो भी लहंगे वाली फ़ैशन वीक वीडियोस आती हैं उसमें ये लुक इतना ज़्यादा कैरी किया जा रहा है कुछ नहीं करना है बस इस तरह से आपको यहाँ पर कंधे पर सेपटबिन लगा लेना है और फटाफट से जो है इस दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल में रेडी हो जाते हैं बिल्कुल रानियों वाला लुक आता है केप स्टाइल है आपके हैंड भी फ्री हैं और फ्लॉन्ट भी हो रहा है आपका दुपट्टा अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रेपिंग स्टाइल की तो इसमें जो है मैंने दुपट्टे के एक कॉर्नर को यहाँ पे टक इन किया और ये वाला लुक ना मतलब मुझे लगता है आ... एवर ग्रीन लुक है आप कभी भी इसे लेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने काफ़ी आउटडेटेड लुक लिया हुआ है हमेशा ही फैशन में रहता है और हमेशा ही अच्छा भी लगता है आप इसे जो है जॉर्जेट वाले के दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं इस लुक को आप सिल्क दुपट्टा के साथ भी कैरी कर सकते हैं इस लुक को बहुत ही प्यारा लगता है और दुपट्टा भी फ्लॉन्ट होता है और लुक भी बहुत ही प्यारा आता है और अगर आप अपनी टमी हाइट करना चाहते हैं तो इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं अगर वो नेट का नहीं है तो आराम से इसमें टमी भी हाइड हो जाती है अब बात करते हैं नेक्स्ट लुक की तो अगेन मैं दोनों बॉर्डर को मिला के वी शेप का लुक क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ सेप्टिफिन से सिक्योर कर रही हूँ इस तरह से और इसे जो है अब हम इस तरह से करते हुए जो है अपने कंधे पे ही सिक्योर करेंगे और फटाफट से मैं सेफ्टिपिन लगा लेती हूँ आप अच्छे से सिक्योर करिएगा फ्रेंड्स मैं इतना ड्रेपिंग स्टाइल करते करते इतना थक गई थी ना तो वो कंधे का जो एकदम लास्ट कॉर्नर था ना वो अच्छे से सिक्योर नहीं हो पाया था तो उसे आप अच्छे से सिक्योर करिए बिल्कुल उठा हुआ नहीं नजर आना चाहिए और दूसरे साइड से आप देखिए फ्रेंड्स मैं प्लीट्स बना के अपने हैंड पे रख रही हूँ इस तरह से और इस स्टाइल को भी मैंने फैशन वीक पे ही देखा था फैशन वीक रैंप वॉक में मैंने देखा था मैंने कहा ये लुक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है पूरा दुपट्टा आपका फ्रंट में रहेगा बैक में कुछ भी नहीं जाएगा और यहाँ पे कमर पे भी मैंने टक इन कर लिया और हाथ पे आप इस तरह से इसे दुपट्टे को फ्लॉन्ट कर सकते हैं चाहे तो आप हाथ में सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो और यहां पे भी आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा कंधे पे थोड़ा सा मेरा दुपट्टा ऐसा कोना सा निकला हुआ है आप जब अच्छे से सिक्योर करेंगे तो वो निकला हुआ नहीं दिखाई देगा और ये भी लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं और कंधे पे लगे ही रहते अब मैं एकदम छोटा सा वी शेप बनाऊंगी छोटा वी शेप मैंने यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी ये सारे लुक ना आप आराम से किसी भी पार्टी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा लुक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे भी मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेती हूँ और उसके बाद जो ये लुक जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट थी ना कि सर पे पल्ला लेने के लिए भी कुछ लुक आप दिखाइए तो ये लुक उन्हीं के लिए है जो अपने सर पे पल्ला लेना चाहते हैं उनके लिए है इस तरह से वी शेप बनाते हुए मैं यहाँ पर जो है दुपट्टे को भी सिक्योर कर ले रही हूँ आप अच्छे से सिक्योर करिएगा बस मैंने टिकटॉक पिन लगा लिया है लेकिन आप अच्छे से सिक्योर करिएगा और ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है देखिए फ्रेंड्स एक साइड एक हैंड में पूरा दुपट्टा खुला हुआ है और सर पर भी आपके पल्ला आ जाता है और एक हैंड एकदम फ्री रहेगा तो दुपट्टा बहुत ही अच्छे से फ्लॉन्ट होता है ये लुक जो है सर पर पल्ला लेने के लिए बहुत ही प्यारा है पीछे से भी आप लुक देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आता है पर्सनली अगर सर पे पल्ला लेने वाले दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल की बात हो तो मुझे ये का, लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मुझे पर्सनली अच्छा लगता है आई होप कि आपको ये सारे लुक्स पसंद आ रहे होंगे अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल की तो इस स्टाइल में मैंने सर पे से पल्ला हटा दिया है और सब कुछ सेम मैंने वैसे ही रखा है अब हम यहाँ पे इस तरह से दुपट्टे को ले आके जो है पीछे की साइड से लाएंगे और कमर में मैं इसे टक इन करने वाली हूँ अगर आप सर पर पल्ला नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर कमर में टकिन कर सकते हैं इसमें भी आपको एक हैंड आपका एकदम फ्री रहता है फ्रंट से आपको इस तरह से लुक आता है और एक हैंड पर पूरा दुपट्टा फ्लॉन्ट होता रहता है तो ये ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे जो है कोई भी कैरी कर सकता है गर्ल्स भी वुमेन भी कैरी कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल की तो नेक्स्ट स्टाइल में भी आप देखिए फ्रेंड्स मैंने सब कुछ सेम वही रखा है बस फ्रंट व... एक हैंड पे पूरा दुपट्टा खुला हुआ था तो उसे भी हम प्लीट्स बनाते हुए जो है ऊपर की साइड में सिक्योर कर लेंगे अगर आप दोनों हैंड फ्री रखना चाहते हैं कि आपको दुपट्टा बिल्कुल भी संभालना ना पड़े या जो लोग सोचते हैं कि दुपट्टा हम नहीं संभालना चाहते हैं बहुत अच्छे से हमारा सिक्योर रहे और लुक भी बहुत ही खूबसूरत है तो आपको ऐसा आ, लुक क्रिएट कर सकते हैं आप एकदम अच्छे से सिक्योर करिए और ऊपर के साइड में छोटा वी और नीचे के साइड का जो दुपट्टा है एकदम लॉन्ग वी शेप में आना चाहिए तो जो दोनों वी शेप एकदम बहुत ही अच्छे से जब आएंगे तो ये दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं अगर आपके घर की शादी आपको बहुत सारे काम भी करने हैं तो आप इस तरह का लहंगा दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल कैरी कर सकते हैं विदाउट बेल्ट अगर आपके पास बेल्ट है तो आप तो आप चाहे बेल्ट लगा सकते हैं लेकिन विदाउट बेल्ट भी ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है और फटाफट से बन भी जाता है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से हम नेक्स्ट दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल की अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सा दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छा लगा अब इस इस स्टाइल में मैं दुपट्टे की प्लीट्स बना रही हूँ छोटी छोटी प्लीट्स बना रही हूँ और फिर लास्ट एंड में जो है दोनों बॉर्डर को मैं मिलाते हुए ही प्लीट्स बनाऊंगी ताकि दोनों बॉर्डर जो हमारा दिखता रहे ये अगर आपके दुपट्टे में बॉर्डर नहीं है तो आप बॉर्डर की चिंता ना करिए कि यहाँ दोनों बॉर्डर आपको मिलाना है सिंपल सी आप प्लीट्स बना लीजिए मैं यहाँ पर हल्का सा लास्ट एंड पे जो है दोनों बॉर्डर को मिला के सेफ्टी पिन लगा लूंगी और कंधे पे से सिक्योर कर लूंगी और सिक्योर करने के बाद ये दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल भी ना बहुत ही अच्छी लगती है एकदम अलग सा लुक निकल के आता है तो इसमें जो है हमें जो पीछे वाला जो दुपट्टे का जो पोर्शन है उसे हमें कमर में नहीं टक इन करना है या ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है आप जो पीछे वाला जो हमारा दुपट्टे का जो पोर्शन है उसे हमें अच्छे से लेके एक पॉइंट को ले अच्छे से वी शेप बनाते हुए आप चाहें तो एकदम पूरा शोल्डर तक ले जा सकते हैं आपके अगर दुपट्टे की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसे शोल्डर तक भी ले जा सकते हैं नहीं तो फिर आप जो है इसे सिंपली जो है सिर्फ यहां जहां जैसे मैं टक इन कर रही हूं आप वैसे भी टक इन कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है बस ध्यान ये रखिए कि आपके दोनों बॉर्डर जो एकदम अच्छे से फ्लॉन्ट हो सके फ्रंट वाले भी जो बैक से आ रहा है दुपट्टा उसका भी बॉर्डर एकदम सामने की साइड में अच्छे से फ्लॉन्ट हो सके तो ये लुक भी बहुत ही प्यारा आता है अगर आपका दुपट्टे में बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है ना तो ये लुक तो बहुत ही प्यारा आने वाला आप चाहें तो यहाँ पर बेल्ट लगा सकते हैं या फिर विदाउट बेल्ट भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं दुपट्टे की लेंथ ज्यादा है तो बस ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपको एकदम शोल्डर जहां पर अपने फर्स्ट पिन लगाइए वहीं लगा लीजिए नहीं तो फिर आप इस तरह से भी लगा सकते हैं अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इस लुक को ओपन करते हैं और दूसरा लुक क्रिएट करके देख लेते हैं तो ये जो लुक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये लुक भी जो है इस फैशन वीक में काफी ट्रेंड में रहा और इस लुक को मैंने अपने पिछले दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल में भी शेयर किया था मुझे पर्सनली ये लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है दुपट्टे के दोनों कॉर्नर को दोनों एंड को लेकर जो है यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है एकदम ओवरलैप नहीं करना है हमारा चारों कोने का जो बॉर्डर है एकदम अच्छे से दिखना चाहिए इस तरह से आपको सेफ्टी पिन लगा लेना है और इस तरह से करते हुए मैं अपने शोल्डर पे रख लूँगी और ये लुक जो है ना बॉर्डर वाले दुपट्टे के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपके दुपट्टे में बॉर्डर है तो आप इस लुक को एक बार ज़रूर ट्राई करिए इतना खूबसूरत निकल के आता है और दोनों कंधे पे जो आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपका दुपट्टा इधर उधर हिले नहीं और ये बिल्कुल रानी महारानी वाला जो फ़ील आता है इसमें राजकुमारी वाला क्योंकि केप स्टाइल भी है दुपट्टे भी पूरा अच्छे से फ्लॉन्ट हो रहा है और बॉर्डर भी बहुत ही अच्छे से फ्लॉन्ट हो रहा है जो ये गले में एकदम वी नेक सा आता है ना केप वाला स्टाइल वो बहुत ही लगता है मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आता है आई होप आपको भी ये लुक पसंद आ रहा होगा आज के सारे दुपट्टा लुक आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स कि आपको कैसा लगा है और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल देख लेते हैं इसमें दुपट्टे के कॉर्नर को लाके जो है ब्लाउज पे इन कर लेना है एकदम छोटा सा आगे का फ्रंट का पल्ला होता है इसमें यहाँ पे ब्लाउज पे मैंने टक इन कर लिया है और शोल्डर पे भी आपको टक इन कर लेना है ताकि आपका दुपट्टा अच्छे से सिक्योर हो सके और जब भी आप डांस करें या फिर कुछ काम करें तो बिल्कुल भी आपका दुपट्टा जो है हिले नहीं अब जो दुपट्टे का पीछे वाला हिस्सा है, है ना उसका एक कॉर्नर हम ले आएंगे और आप सोच रहे होंगे ये दुपट्टा ड्रपिंग स्टाइल तो काफ़ी कॉमन है फिर कमर में टैकिंग कर लो या फिर हाथ में सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लो तो वो सब तो मैंने आपसे शो कर चुका है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है आप पीछे से पोर्शन आप ले आइए और इस तरह से पीछे से लाते हुए इस दुपट्टे के कॉर्नर को एकदम अच्छे से जो है मैं वी शेप बनाना है ताकि एकदम दुपट्टे का जो लुक है नीट एंड क्लीन आए नहीं तो एकदम मैसी सा नजर आएगा यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन सिक्योर कर लूँगी उसके बाद जो है इस पोर्शन को ना आपको ना कंधे पे जो है टक इन कर लेना है न, काफी अच्छे से सेफ्टी पिन से आप सिक्योर कर लीजिए और ये लुक भी बहुत ही प्यारा लगता है आपके एक हाथ आपका फ्री रहता है एक हाथ में पूरा आपका दुपट्टा फ्लॉन्ट होता रहता है अब बहुत ही प्यारा लुक निकल के आता है इस वाले लुक में, को आप एक बार जरूर ट्राई करिए एकदम नया लुक निकल के आएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों इस लहंगे की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरी हाइट जो है फाइव फिट सिक्स इंच है ताकि आप मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके कि हाँ ये लहंगे का मुझे लेंथ कितना आ रहा है और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टाइल की नेक्स्ट स्टाइल में मैंने आ, शोल्डर पर पिन लगाया आप जितना लंबा आप फ्रंट में दुपट्टा रखना चाहते हैं ना आप उतना लंबाई रख के जो है इस तरह से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए और दूसरे साइड का भी हम एक एंड लेंगे किनारा लेंगे और उतना ही लंबा रखेंगे जितना एक साइड में हमने कंधे पे सामने वाला ये रखा हुआ बॉर्डर लंबा बिल्कुल मैच कराते हुए हाँ जितना लंबा इस साइड है उतना ही लंबा हम रखेंगे ताकि दोनों साइड हमारी लेंथ एकदम बराबर है। और इसे भी हम मैं कंधे पे सिक्योर कर लेती हूं और इस लुक में भी ना बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा एकदम नया लुक निकल के आएगा और आपके आप चाहे तो आपका दोनों हैंड फ्री भी हो सकता है आप बिजी रखना तो बिजी भी रख सकते हैं आप दोनों पोर्शन को या तो जब आपको काम करना तो आप कंधे पर रख लीजिए जो दुपट्टा आपने फैलाया हुआ है और इस तरह से ये भी एक केप स्टाइल ही आता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही खूबसूरती से आपका दुपट्टा फ्लॉन्ट भी होता है और बहुत ही प्यारा लुक निकल के आता है आई होप आपको ये भी लुक पसंद आ रहा होगा अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट से नेक्स्ट लुक देख लेते हैं कि नेक्स्ट लुक में हमें क्या करना है दोस्तों यही था मेरा आज का दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल आई होप आपको आज के सारे दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल जरूर पसंद आए और आप अपने किसी न किसी पार्टी फंक्शन में इन सारे दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल को कैरी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा मैं मिलती मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बाय बाय टेक केयर